श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है, सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को, तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए सब करो। प्रेम को मन में बसा लो, फिर देखना आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। देखिए, अगर मुझे ये प्रतीत होता है कि मैं सही हूँ, तो फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना स्वयं मेरे इष्ट भी आकर बोले कि ना करो, तो मैं भी उनसे लड़ जाऊंगा। क्यों ना करो जब मैं सही हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं एक छोटे बच्चे से भी डांट सुनने के लिए तैयार हूँ। और अक्सर जब हम दुनिया से हटकर कुछ करने लगते हैं, तो दुनिया का आपके खिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही हो तो डरे रहिए, जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल वही आपके गुणगान करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से सुनाते नहीं थकेंगे। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है और जो आपके परिवार और आपके लिए सही हो। आपको काम करते ही रहना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी, बाद में उसका समर्थन भी करने लगती है। आप जो भी करें करते रहें, बस इतना ध्यान रखिए वह आपके और आपके परिवार के लिए और हो सके तो समाज के लिए भी सही हो। देखिए, ये तो मानकर ही चले, आप चाहे कुछ अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ होंगे ही। जितने लोग आपके खिलाफ या साथ होते हैं, ये आपकी लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। अब बात आता है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। इस चीज के समझने के लिए मैं हमेशा एक तकनीक इस्तेमाल लाता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। मैं खुद को उनकी जगह रखकर सोचता हूँ। जो लोग आपके खिलाफ या आपसे असहमत हैं, उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए कि अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या सोचते और क्यों। आपको लगे कि नहीं वो गलत है, तो कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके लोगों को अपने बारे में या अपने काम के बारे में उनको समझाएं और उनकी गलतफहमी दूर करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं या आपको लग रहा है कि लोग सही हैं लेकिन आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं या नहीं सुन रहा है, ऐसे में आप दो चीज कर सकते हैं। धैर्य रखिए, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, ऐसे में आप जो कर सकते हैं वो है सब्र। समय पर भरोसा रखिए। सबसे पहले बात तो ये है कि समय चाहे जैसा भी हो, बदलता जरूर है। और बुरा समय की तो खास बात होती है कि आपके अंदर के छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस समय आपको ये भी पता लगेगा कि कौन अपना कौन पराया है। सच के राह पे चलिए, जो आपके और समाज के लिए सही है वही कीजिए, फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप दुनिया की उलझ में अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपके एक बार के छोटे से असफलता को बहुत ही बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी। आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। जी नहीं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपको एक चीज सीखनी है, नजरअंदाज और खुद पर विश्वास रखना है। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी, आप बस थोड़ा धैर्य रखिए। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर खड़े उतरोगे, आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया, तो अभी तक सफलता के रास्ते पर आप हो ही नहीं। आप भविष्य में एक चमत्कार से अत्यधिक सफल हो जाते हैं। आप अपने देश में एक सुपरस्टार, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। हर जगह आपके बारे में चर्चा है, लोग आपको जानना चाहते हैं जब आप अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला करते हैं। लेकिन जब आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठते हैं, तो आप समझते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको सफलता मिली। आप समझते हैं आपको ये सफलता सिर्फ एक संयोग से मिली है। अगर आपको सफलता के द्वार में जाना है, तो आपको सारी हदें पार करनी ही होगी। आपकी जो भी खराब आदतें हो, सारी आदतें को छोड़ना है और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से कुछ भी चीज को सीखे तो उसे आप एक बार अपना कर जरूर देखिए, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 दिन तो करो,
लाखों विद्यार्थियों की ये बुरी चीज है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो उन्हें अपनाना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना भी जरूरी है, पर बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी जिंदगी में उलझ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग तब करेगा जब आपके पास कुछ लेने के लिए है, इसलिए जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो ये ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी कमजोरियों को हटाने का अवसर है। दूसरे दृष्टिकोण में आपको अकेले चलने का एक अवसर भी प्राप्त होता है जिसमें आप स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अकेले लक्ष्य की ओर चलने का प्रयास करते हैं और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके साथ पूरा संगठन और कायनात आपके सामने होगा। जब हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और बिना प्रेरणाहीन हुए अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हुए, अपने कमजोर बिंदुओं का मूल्यांकन करते हुए, अपनी कार्रवाई के फल के बारे में सोचे बिना लगातार विफलताओं से सुधार कर सीखना होगा। ये ध्यान में रखते हुए कि एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके पास अपनी पुस्तक के लिए पर्याप्त सामग्री होगी। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो इस पल में भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको अपनी आत्मकथा के लिए पर्याप्त सामग्री दे रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह एक न एक दिन जरूर दूर होगा और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने जीवन में हर विफलता के साथ विकसित होते हैं। आप निश्चित रूप से अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे, इसलिए काम करते रहें और कोशिश करना कभी ना छोड़ें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। काशी में एक संत रहते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य अध्ययन करते थे। कुछ शिष्य की इच्छा पूरी होने पर एक दिन संत ने उन्हें बुलाकर कहा कि अब तुम लोगों को समाज के कठोर नियमों का पालन करते हुए विनम्रता से समाज की सेवा करनी होगी। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हर समय विनम्रता से काम नहीं चलता। तो संत समझ गए कि अभी भी इसमें अभिमान मौजूद है। थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जरा मेरे मुंह के अंदर ध्यान से देख कर बताओ कि कितने दांत रह गए। बारी बारी से सभी शिष्यों ने संत का मुंह देखा और एक साथ बोले कि आपके सभी दांत टूट चुके हैं। तो संत ने कहा कि जीव है या नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं और बोले, उसे देखने की जरूरत नहीं है, जीव अंत तक साथ रहती है। उसने कहा, यह बहुत ही अजीब बात है, जीव जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आते हैं वो पहले ही छोड़ जाते हैं, जबकि उनको बाद में जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? संत ने कहा, नहीं भगत, इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जीव इसलिए साथ नहीं छोड़ती क्योंकि उसमें लोच है, वो विनर्म होकर अंदर पड़ी रहती है, क्योंकि उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं है, उसमें विनम्रता से सब कुछ सहने की शक्ति है, इसलिए वह हमारा हमेशा साथ देती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं और उन्हें अपने कठोरता पर अभिमान होता है। वह जानते हैं कि उनके कारण इंसान की खूबसूरती बढ़ती है, इसलिए वह बहुत कठोर होते हैं और उनका यही अहंकार और कठोरता उनकी बर्बादी का कारण बनते हैं। इसलिए तुम्हें यदि समाज की सेवा गरिमा के साथ करनी है तो जीव की तरह विनम्र बनकर नियमों का पालन करो, क्योंकि विनम्रता ही हमें जानवरों से अलग करता है। बस इस बात को ध्यान रखें कि हमारी विनम्रता हमारी कायरता ना समझी जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।